आज मंत्रिपरिषद में 38 एजेंडों पर निर्णय हुआ और साथ ही साथ दो अन्य बिंदु पर भी विचार हुआ जो मंत्रिपरिषद के सदस्यों ने प्रस्तुत किया। सबसे महत्वपूर्ण जो बिंदु है, 38 एजेंडा है और दो मंत्रिपरिषद के सदस्य भी रख सकते हैं एक्स्ट्रा एजेंडा, तो कुल 40 मामले हैं। सबसे महत्वपूर्ण मामला जो आज मंत्रिपरिषद समक्ष विचारार्थ आया वह है कि दो आरक्षण अधिनियम हैं। पहला वाला है बिहार पदों एवं सेवाओं की रिक्तियों एवं आरक्षण अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पिछड़ा वर्ग अधिनियम 1991 तथा संशोधित बिहार अधिनियम 17/2002 एवं संशोधित अधिनियम 19/2023। साथ ही साथ जो शैक्षणिक संस्थाओं का भी 2023 में जो आरक्षण अधिनियम है, इन दोनों को भारत के संविधान 9वीं सूची में शामिल करने हेतु तो राज्य सरकार की अनुशंसा भेजने का निर्णय हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि दोनों जो बिल पास हुए फिर एक्ट नोटिफाई हुआ, कल ही एक्ट नोटिफाई हुए हैं, इन दोनों एक्ट को भारतीय संविधान के 9वीं सूची 9th शेड्यूल में इसको शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने यह निर्णय लिया कि भारत सरकार को इसको भेजा जाए। 9th शेड्यूल का मतलब यह है कि वह उस 9th शेड्यूल में वैसे अधिनियम है एक्ट हैं जिस पर न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता है। उदाहरण स्वरूप जो आरक्षण का अधिनियम है, जो तमिलनाडु सरकार का अपना अधिनियम है, वह 50% से ऊपर का आरक्षण है जो 9th शेड्यूल में वह अंकित है 1994 में। तो बिहार सरकार का भी 50% से ऊपर आरक्षण है, आपको जानकारी होगा 65% आरक्षण जातीय आधार पर है और 10% जो इनकम आधार पर 10% का आरक्षण है सामान्य श्रेणियों के लिए, कुल 75% आरक्षण है। तो इन दोनों अधिनियमों को संविधान के 9th शेड्यूल में रखने 9वीं सूची अधिसूची में शामिल करने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने की अनुशंसा की है। तो ये निर्णय महत्वपूर्ण निर्णय है कैबिनेट का, ताकि इस पर न्यायालय का हस्तक्षेप, जो 9th शेड्यूल है उसमें न्यायालय में विचाराधीन ये मामले नहीं होते हैं। तो ये एक महत्वपूर्ण निर्णय है जो कैबिनेट ने लिया। वो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट होता है, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 9th शेड्यूल में पार्लियामेंट से अमेंड होता है। नहीं, जो 9th शेड्यूल में है, आपको तो आप जानकारी होगी, जो 9th शेड्यूल के मामले हैं वह न्यायालय में विचारार्थ नहीं रहते हैं। तो ये है 9th शेड्यूल के आइटम्स हैं, तो इसको भी 9th शेड्यूल में रखने का अनुशंसा भेजा गया। ये पार्लियामेंट को ही पावर है, पार्लियामेंट ऑफ इंडिया को। 9th शेड्यूल में जो आइटम्स हैं उसमें न्यायालय में विचार नहीं किए जाते हैं। तमिलनाडु का एक्ट उसी 9th शेड्यूल में है, अकेला एक राज्य है जिसका 9th शेड्यूल है। दूसरे दो अन्य बिंदु हैं, मैं जानकारी देना चाहता हूँ अन्य जो सामान्य एजेंडा शुरू होने से पहले। पहला अन्य एजेंडा में माननीय मुख्यमंत्री को कैबिनेट ने धन्यवाद दिया जो आरक्षण अधिनियम अधिसूचित हुआ, दोनों अधिनियम जो अधिसूचित हुए हैं उसके लिए मंत्रिपरिषद ने उनको धन्यवाद दिया। ये पहला अन्य बिंदु था। और दूसरा अन्य बिंदु यह था कि जो राज्य सरकार को जो जातिगत गणना के आधार पर जो 3 योजनाएं स्वीकृत की गई, पहली है जो 2 लाख रुपए प्रति गरीब परिवार को जो दिया जाना है उसके लिए जो व्यय होगा, साथ ही साथ जो जीविका की में के माध्यम से जो सतत जीविका उपार्जन योजना में 1 लाख से बढ़ा के 2 लाख किया जाना है, और साथ ही साथ जो सभी आवासहीन परिवारों को जो भूमिहीन परिवारों को आवास एवं भूमि दिया जाना है उसमें 2,50,000 करोड़ का व्यय होना है। इतनी बड़ी राशि के लिए ये आवश्यक है कि राज्य को विशेष राज्य का दर्जा मिले ताकि जल्दी हो सके। मंत्रिपरिषद में यह भी विचार आया कि इस पर काफ़ी दिन से, जब से 2010 से इस पर बार बार केंद्र सरकार को अनुरोध किया जा रहा है और अंतिम बार 2013 में इस
2017 में इस पर अनुरोध किया गया था, अभी तक केंद्र सरकार ने इस पर कोई निर्णय लिया है। तो मंत्रिपरिषद ने यह निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को विशेष राज्य का दर्जा बिहार को दिया जाने का अनुरोध किया जाए, तो यह निर्णय हुआ है। कैबिनेट के निर्णय में यह उल्लेखित है कि 2013 में रघुराम राजन कमेटी की रिपोर्ट भी इस मामले में आई थी, तत्कालीन केंद्र सरकार ने उस पर कोई निर्णय नहीं लिया। पुनः वर्तमान केंद्र सरकार को 2017 में राज्य सरकार ने अनुरोध किया और अब पुनः मंत्रिपरिषद ने निर्णय लिया कि पुनः केंद्र सरकार को राज्य को विशेष राज्य का दर्जा देने के लिए अनुरोध किया जाए। तो दो अन्यान बिंदु थे और दो महत्वपूर्ण जो अधिनियम को 9th Schedule में शामिल करने का निर्णय लिया गया, तो ये दो महत्वपूर्ण मामले थे। इसके अतिरिक्त जो अन्य एजेंडा है मैं क्रमवार चलूँगा। पहला है अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण विभाग से संबंधित मामला है। इसमें जो अत्याचार अधिनियम में जो मृतक होते हैं उनको नौकरी दी जाती है और उसमें शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास है। यदि 8वीं पास शैक्षणिक योग्यता नहीं भी हो तो उन्हें इस शर्त पर रिक्रूट कर लिया जाएगा कि वह 2 साल में अपनी शैक्षणिक जो स्तर है उसको सुधार करेंगे और उसके लिए एलिजिबल हो जाएंगे। हाँ, छठा पास हो जाएंगे, लेकिन यह है कि वो अपना जो शैक्षणिक योग्यता है उसमें सुधार करेंगे, 2 साल में वो अपना अंडरटेकिंग देंगे। उद्योग विभाग का एजेंडा था जिसमें मिसर्स मरासा सरोवर प्रीमियर बोधगया में 5-star होटल का प्रोजेक्ट क्लियरेंस दिया गया। पथ निर्माण विभाग का एक एजेंडा था जिसमें सारण जिला अंतर्गत मशरक शाम कोडिया रेलवे स्टेशन के बीच शीतलपुर मशरक स्टेट हाईवे 73 पर स्थित लेवल क्रॉसिंग संख्या 34B2 के बदले ROB रोड ओवर ब्रिज का निर्माण की स्वीकृति दी गई। इसमें 56.2 करोड़ का व्यय होगा। पिछड़ा वर्ग एवं अति पिछड़ा कल्याण वर्ग का एक एजेंडा था जिसमें जितने छात्रावास बन रहे हैं उनके प्रबंधन के लिए एक छात्रावास प्रबंधक का एक काडर सृजित किया गया जो इन छात्रावासों के प्रबंधन में कार्य करेंगे और सभी छात्रावासों को मेंटेन करेंगे। इसमें ये काडर क्रिएट किया गया, अभी तो काडर ही क्रिएट किया गया, जितने भी छात्रावास हैं छात्रावास के लिए पद क्रिएट किया गया। आपके भवन निर्माण विभाग का एक एजेंडा था, ब्रिज सिंह का तत्कालीन सहायक अभियंता राजेंद्र नगर अवर प्रमंडल पटना, इनको निगरानी का रिश्वत कांड में रंगे हाथ पकड़े गए थे और इनको दंड भी हो गया था, इनको सेवा से बर्खास्त किया गया। भवन निर्माण विभाग का एक और एजेंडा था जिसके अंतर्गत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र नई दिल्ली में स्थानिक अभियंता कार्यालय जो रेजिडेंट इंजीनियर का कार्यालय है उसमें पद सृजन किए गए। इसमें 12 पदों का सृजन हुआ, तो बिहार भवन जो दिल्ली में है उसमें इंजीनियरिंग कार्डर के 12 पद सृजित किए गए। भवन निर्माण विभाग का एक और एजेंडा था जिसमें गैर योजना मद में एक पद जो वास्तुविद है जो आर्किटेक्ट है उसका पद सृजित हुआ था, तो आर्किटेक्ट का एक पद सृजित हुआ था। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक प्रस्ताव था जिसमें गांधी मैदान मेट्रो रेल स्टेशन के लिए जमीन का हस्तांतरण हुआ। यह पर्यटन विभाग के दखल कब्ज में जमीन थी और ये 8,88,93,000 रुपये के दर से यह जमीन मेट्रो रेल स्टेशन के लिए स्थानांतरण हुआ। राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग का एक और एजेंडा था जिसमें सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट रूल्स 2016 के अनुपालन के लिए उसका प्रसंस्करण लैंडफिल साइट के लिए भूमि उपलब्ध कराने का निर्णय हुआ, निःशुल्क अंतर विभागीय हस्तांतरण। लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग के अंतर्गत एक एजेंडा था जिसमें पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन के पूर्व सृजित पदों को अंचल स्तरीय पंप ऑपरेटर इलेक्ट्रीशियन में वर्णित पद सोपान अनुरूप संवर्ग पुनर्गठन का निर्णय लिया। इसमें 1,86,62,000 रुपये की स्वीकृति हुई, तो पंप ऑपरेटर एवं इलेक्ट्रीशियन का पद सृजन हुआ। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग का एक एजेंडा था जिसमें गोपाल जिला अंतर्गत स्थापित राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय गोपालगंज के निर्माण कार्य के पूर्व स्वीकृत योजना की लागत 73,13,00,000 को बढ़ाकर 97,16,53,000 रुपये
ये रिवाइज्ड एस्टिमेट सैंक्शन हुआ। विज्ञान प्रौद्योगिकी तकनीकी विभाग विभाग में सभी राजकीय अभियंत्रण महाविद्यालय पॉलिटेक्निक संस्थाओं में एक सोसाइटी बनाने का निर्णय लिया। तो हर कॉलेज का एक अपना सोसाइटी रहेगा, जिसमें एक मैनेजमेंट सोसाइटी है, एक एग्जीक्यूटिव बॉडी होगी, जनरल बॉडी होगी, जो उस अभियंत्रण विद्यालय का मैनेजमेंट देखेगा। वित्त विभाग ने सभी सरकारी कर्मी मंत्री सहित मोबाइल जो किराए का दर है उसमें संशोधन किया है, मोबाइल फोन के दर में। वित्त विभाग के एक और एजेंडा था जिसमें मैं आपको रेट्स बता दूंगा, आपको सर्विस किस किस को क्या दर है, मैं रेट का सूची आपको उपलब्ध करा दूंगा। वित्त विभाग के का वैसे मामले जो 1/9/2005 के पूर्व अभ्यर्थी पुरानी पेंशन योजना में तहत थे और 1/9/2005 के बाद जो बाद ज्वाइनिंग किए, एडवर्टाइजमेंट पुराना था लेकिन ज्वाइनिंग बाद में, ये बार बार नई पेंशन योजना और पुरानी पेंशन योजना का कन्फ्यूजन रहा है। तो ये कहा गया कि जिस वर्ष में एडवर्टाइजमेंट था उस वर्ष का जो पेंशन योजना है पुरानी पेंशन योजना होगी, तो पुरानी पेंशन योजना दी जाएगी। कौन सा वित्त विभाग का था एजेंडा नंबर 14 में, जो 1/9/2005 के बाद तो न्यू पेंशन स्कीम थी, लेकिन बहुत सारे मामले थे जिसमें पुरानी पेंशन योजना के अवधि में एडवर्टाइजमेंट निकला लेकिन ज्वाइनिंग बाद में किए, तो पुरानी पेंशन योजना उन पर लागू। हाँ, विज्ञान प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में अररिया जिला में स्थापित फणेश्वर नाथ रेणु अभियंत्रण महाविद्यालय अररिया का जो एस्टिमेट था 73 करोड़ 13 लाख से बढ़ाकर 98 करोड़ 57 लाख बढ़ा दिया गया है। तो यह रिवीजन ऑफ एस्टिमेट हुआ है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अंतर्गत गया अभियंत्रण महाविद्यालय में आर्किटेक्चर कोर्स आरंभ किया गया, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर। इसमें 14 शैक्षणिक पदों का सृजन हुआ, एक प्राध्यापक हैं, सह प्राध्यापक 3, सहायक प्राध्यापक 10। तो एक बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है जो गया में सृजित हुआ। वित्त विभाग का ये सभी कर्मचारियों के लिए सूचना है कि जो DA दर है 42 से बढ़ाकर 46% कर दिया गया है। तो 42 कौन सा डीए वाले में चंदा नंबर 17 दीजिए, हम आपको बता देते हैं। वित्त विभाग में जो राष्ट्रीय बचत कार्यालय है उसमें वर्तमान पदस्थापित कार्यरत लिपिक कार्यालय परिचारियों को जिला समानालय के समान पर, जो 19 लोग हैं जो राष्ट्रीय बचत कार्यालय में पदस्थापित थे, अब राष्ट्रीय बचत कार्यालय बंद कर दिया गया है, तो उनका समायोजन अब जिला वर्ग में कर दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग में श्री कृष्णा चिकित्सा महाविद्यालय SKMCH में 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराए गए हैं, जो कैंसर भाभा कैंसर अस्पताल में अनुसंधान केंद्र मुजफ्फरपुर है उसको 100 करोड़ रुपये उपलब्ध कराया गया अनुदान के रूप में, और इसके लिए बजटीय उपबंध किया गया है। आपके द्वारा DA के बारे में पूछा गया था, DA में कुल राशि ये करीब 533 करोड़ 11 लाख रुपये लगेगा, ये सरकारी कर्मचारियों के लिए है, और 433 करोड़ लगेगा रिटायरमेंट, तो कुल 966 करोड़ लगेगा। जहाँ तक कितने कर्मचारी हैं इसकी सूचना ये विभाग साहब को मिल जाएगी, ये वार्षिक है, कुल 966 करोड़ रुपए व्यय होगी अतिरिक्त। तो स्वास्थ्य विभाग का मैंने आपको बताया कि भाभा कैंसर अस्पताल अनुसंधान केंद्र में 100 करोड़ रुपए उपलब्ध कराए गए हैं, ये ईस्टर्न रीजन का सबसे बड़ा कैंसर रिसर्च इंस्टीट्यूट होगा, और आपको जानकारी होगी ऑलरेडी संचालित है, इसके अतिरिक्त इक्विपमेंट और सामान के लिए दिया गया है। स्वास्थ्य विभाग का एक पूर्व का प्रस्ताव था जिसमें 1,015 स्वास्थ्य उपकेंद्र एवं 228 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र, वैसे जहां 86 प्रखंड सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं हैं, वहां निर्माण NHM के द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के निर्माण के लिए अतिरिक्त अन्य कार्य मॉडल प्राकलन के आधार पर योजना की प्रशासनिक स्वीकृति दी गई थी, उसमें केवल स्वरूप परिवर्तन किया था। पहले NABARD ऋण से बनाया गया था, केवल उसके हेड जो है जिस वैसे व्यय होगा, अब 7 निश्चय के अंतर्गत ये व्यय होगा, केवल NABARD से हटाकर इसको 7 निश्चय का जो हेड है वित्तीय हेड है उसमें परिवर्तन किया गया है। हाँ, 1,015 स्वास्थ्य केंद्र उपकेंद्र हैं, 228 अतिरिक्त स्वास्थ्य केंद्र हैं, और
वैसे 86 प्रखंड हैं जहाँ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र निर्मित नहीं है। इनके निर्माण एवं NHM द्वारा निर्माण किए जाने वाले 50 सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र हैं। तो इनमें वही है कि आपके मॉडल प्राकलन पर निर्माण किए जाने हैं, केवल हेड का चेंज हुआ है। सामान्य प्रशासन विभाग में अंचल द्विवेदी न्यायिक दंडाधिकारी से अपर मुंसिफ सारण हैं, छपरा हैं। ये माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में इनको सस्पेंड किया गया था, बर्खास्त किया गया था, पुनः इनकी सेवा बहाल माननीय उच्च न्यायालय के आलोक में कर दी गई। सहकारिता विभाग में जो पद थे, पद को चिन्हित किया गया है, पद में परिवर्तन नहीं किया गया है, पद यथावत हैं, कुल संख्या भी यथावत है, केवल जो पद हैं उन्हें चिन्हित किया गया है ताकि जो प्रमोशन का मामला अभी चालू प्रमोशन का मामला चल रहा है उसमें यह सुगम हो, इसलिए केवल वर्तमान सृजित पद स्वीकृत बलों को बिना नया पद सृजित किए आंशिक पदों को उत्क्रमित कर सहकारिता प्रसाद पदाधिकारी संवर्ग नियमावली 2014 के नियम 3(1) में निर्धारित विभिन्न कोटि के पदों में पुनर्धारण या चिन्हितकरण किया गया है। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी एवं तकनीकी शिक्षा विभाग में कंसल्टेंसी पॉलिसी का अनुमोदन किया गया, परामर्श नीति। इसमें जो हमारे इंजीनियरिंग कॉलेज में जो हमारे प्रोफेसर हैं, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर हैं, वो विभिन्न संस्थाओं का कंसल्टेंसी असाइनमेंट ले सकेंगे और कुछ राशि संस्था को मिलेगी और कुछ राशि जो कंसल्टेंसी कर रहे हैं उन लोगों को, तो कुछ मामले में 30% कंसल्टेंसी करने वाले कर्मियों को मिलेगी और 70% संस्था को मिलेगी और कुछ में 60-40 का रेशो है। परिवहन विभाग ने एक बड़ी नई योजना, बहुत बड़ी योजना की स्वीकृति दी है, जिसमें 3,600 बसों के लिए लाभुकों को बस के क्रय की स्वीकृति दी है। 3,600 बस, इसमें 5,00,000 प्रति बस पर अनुदान दिया जाएगा और 7 बसें हैं प्रति प्रखंड, 7 बस प्रति प्रखंड है। 3,600 बस टूल होगा और 180 करोड़ रुपये इसके अंतर्गत स्वीकृत किए गए हैं। इसमें मैं बता देता हूँ कि ये बस स्वीकृत होंगे, अभी तो छोटी छोटी गाड़ियाँ थी, हाँ तो अभी तो ये बस होगी जो 5,00,000 रुपये प्रति बस होगी। 3,600 बसें स्वीकृत होंगी और प्रत्येक प्रखंड में जो 7 लाभुक होंगे उसमें 2 अनुसूचित जाति वर्ग के होंगे, 2 अत्यंत पिछड़े वर्ग के होंगे, 3 एक पिछड़ा वर्ग का होगा, 1 अल्पसंख्यक का होगा और 1 लाभुक सामान्य वर्ग का होगा। 7 लोग होंगे, 7 में 2 अनुसूचित जाति, 2 अत्यंत पिछड़ा वर्ग, 1 पिछड़ा वर्ग, 1 अल्पसंख्यक और 1 सामान्य वर्ग के लाभुक होंगे। तो 7 लोग होंगे, तो 7 लोग एक प्रखंड के और कुल 3,600 बस होंगे। राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक और मामला था, जहानाबाद जिला के अंतर्गत है। ये केवल एक पुराना मामला 1987 का था जिसमें जमीन बदलेन का मामला था। कुछ लोग इस जो रैयत हैं उनकी ज़मीन पे बस गए थे, बाद में सरकार ने निर्णय लिया कि जो बस गए हैं उनको बंदोबस्त कर दिया जाए, यह उग्रवाद प्रभावित क्षेत्र था उस वक्त, और जिस पर जो वर्तमान रैयत हैं जिन्होंने जिनकी ज़मीन थी वह सरकारी भूमि पर बस गए थे, तो अब यह निर्णय लिया कि अब उन जो सरकारी जमीन पर बस गए हैं 36 दशमलव ग्रह और मजूरा मालिक भूमि है, बच्चू सिंह हैं पिता स्वर्गीय रामविलास सिंह, ललन सिंह हैं पिता स्वर्गीय सुखदेव सिंह और उपेंद्र सिंह हैं पिता स्वर्गीय सचिनान सिंह, इनको बंदोबस्त कर दिया जाए। उद्योग विभाग द्वारा बिहार की लॉजिस्टिक पॉलिसी स्वीकृत कर दी गई है। तो इस लॉजिस्टिक पॉलिसी के अंतर्गत जो हमारे लॉजिस्टिक पार्क हैं उसके लिए अनुदान की स्वीकृति दी गई है। साथ ही साथ मैं सारे कंपोनेंट पढ़ देता हूँ किस किस मामले में दी गई है। इसमें लॉजिस्टिक पार्क के लिए दी गई है, लॉजिस्टिक यूनिट्स के लिए दी गई है, मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क के लिए दी गई है। इसमें सभी में जो हमारे इस विशेष नीति के अंतर्गत जो बिहार इंडस्ट्रियल पॉलिसी 2016 है वो दिया जाएगा और साथ ही साथ जो कैपिटल सब्सिडी है वो करीब 10% है विभिन्न लिमिट्स के अंतर्गत है। 10% का लिमिट है और किसी में 10 करोड़ का लिमिट है, किसी में 2 करोड़ का लिमिट है, किसी में 3 करोड़ का लिमिट है, किसी में 1 करोड़ का लिमिट है, बहुत सारे डिटेल्स हैं। तो विभिन्न प्रकार के जो लॉजिस्टिक यूनिट हैं उसके लिए बिहार लॉजिस्टिक पॉलिसी स्वीकृत की गई है। लॉजिस्टिक पार्क है, लॉजिस्टिक यूनिट्स है और मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क है।
यदि किसी को डिटेल चाहिए तो मैं अलग समय इसको उपलब्ध करा दूंगा। ग्रामीण कार्य विभाग में जो हमारे जो नए कार्य शुरू हुए हैं, बहुत सारे वर्कलोड भी बढ़ गया, कार्य भी बढ़ गया है, उसके लिए पद सृजन का प्रस्ताव था। इसके अंतर्गत बड़ी संख्या में पद सृजन, 2261 पद का सृजन हुआ है। इसमें सबसे बड़े जो पद हैं वे बेसिकली निम्न वर्गीय लिपिक हैं, क्लर्क ग्रेड के 425 हैं, 2261 पद क्रिएट हुए हैं। इसमें प्रयोगशाला सहायक है 42 और शोध सहायक है 102। तो इसमें जो क्वालिटी कंट्रोल है उसके लिए मेजर पद सृजित हुए हैं। साथ ही साथ पद कार्य प्रभारी हैं, सभी पदों के कार्य प्रभारी हैं, उसमें 1069 इसमें स्वीकृत हुए हैं। और साथ ही साथ मल्टीटास्किंग प्रचारी 382 हैं। साथ ही साथ कार्य अंचल दरभंगा में कुछ परिवर्तन किए गए हैं और कार्य अंचल समस्तीपुर, इन दोनों कार्य प्रमंडल में संशोधन भी किए गए हैं। तो 2261 पद नए सृजित किए गए हैं ग्रामीण कार्य विभाग में। स्वास्थ्य विभाग के अंतर्गत इंदिरा गांधी आयुर्वेदिक संस्था में जो जो हमारे प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा निधि योजना के अंतर्गत पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाई के लिए जो इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किए जाने हैं उसके अंतर्गत 138 करोड़ की योजना स्वीकृत हुई। ये 60-40 के हिसाब से 60-40 है, जिसमें 82 करोड़ 80 लाख है केंद्र अंश है और 55 करोड़ 20 लाख है ये राज्य अंश है। तो 60-40 के अंतर्गत ये योजना स्वीकृत हुई है। सूचना एवं प्रौद्योगिकी विभाग में जो राइट ऑफ वे का प्रावधान था, जो अग्रीमेंट हम लोगों ने 2013 में किया था, इसके अंतर्गत पंचायत स्तर तक जो राइट ऑफ वे कनेक्टिविटी, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी के लिए हमने राइट ऑफ वे का अग्रीमेंट किया गया था कि सरकार इसमें मदद करेगी और निःशुल्क रहेगा। इसको अब हम लोग पंचायत को हटा के अब गांव स्तर तक इसको राइट ऑफ वे ले जाने का निर्णय लिया है, उसी में राइट ऑफ वे का अग्रीमेंट में संशोधन है। विधि विभाग के अंतर्गत माननीय उच्च न्यायालय पटना में स्थापना में 110 पदों में से 55 पदों को अभिलेख लेके वेतन स्तर के पद पर उत्क्रमित किया गया। तो वेतन स्तर 3 था, उसको 4 में इंक्रीज किया गया, 110 पद में से 55 पदों को अपग्रेड किया गया। दूसरा एक और विधि विभाग का प्रस्ताव था, माननीय उच्च न्यायालय पटना की स्थापना में सुभाष सेल, ये तो अनुवादक, ये ट्रांसलेशन सेल हैं, 60 पद हैं, अनुवादक सह प्रूफ रीडर हैं 20 पद हैं, कुल 80 पदों का इन्होंने सैंक्शन किया। तो ये ट्रांसलेशन पद है, 60 पद अनुवादक का है, अनुवादक सह प्रूफ रीडर 20 हैं, तो कुल 80 है। ऊर्जा विभाग की बड़ी योजना सैंक्शन हुई है आज, यह बहुत बड़ी योजना है, 1810 करोड़ की योजना है। और ये कजरा लखीसराय में यह पावर जनरेशन यूनिट, सोलर पावर जनरेशन यूनिट की स्थापना हुआ है, 253.85 मेगावाट आर बैटरी ऊर्जा भंडारित। ये एक्चुअली क्या है, ये अन्य ऊर्जा जो सोलर पावर प्लांट है उनसे भिन्न है, इसमें सोलर पावर पैनल भी रहेगा और बैटरी भी रहेगी इसमें। तो जो दिन में जो एनर्जी जनरेट होगी वो ग्रिड में तो जाएगी, साथ ही साथ बैटरी भी इसमें चार्ज हो जाएगी, और जब पीक आवर होगा, जब आवश्यकता होगी, जब सूरज नहीं रहेगा, तो इस बैटरी के माध्यम से 253.85 मेगावाट आवर का यूनिट का स्थापना हुई है। इसमें 1810 करोड़ का व्यय होगा, जिसमें 80% फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन का है और 20% राज्य सरकार देगी, तो 80-20 पर है और 1810 करोड़ की योजना है। राजस्व भूमि सुधार विभाग का एक और योजना था, जिसमें अंतर विभागीय हस्तांतरण का जमीन का हस्तांतरण था, इसमें 5.45 एकड़ और 0.26 एकड़ ये किरतपुर दरभंगा में है, ये किरतपुर है, प्रखंड से अंचल कार्यालय के भूमि स्थानांतरण का प्रस्ताव है। निर्वाचन विभाग का आगामी निर्वाचन 2024 में जो मत पत्रों का मुद्रण होना है उसके लिए सरस्वती प्रेस को नॉमिनेशन के आधार पर दिए जाने का निर्णय लिया गया, जो प्रिंटिंग है मतपत्रों का। वाणिज्य कर विभाग का एक प्रस्ताव था, आपको जानकारी होगी चिड़िया खाना करके एक फिल्म आई है, चिल्ड्रन फिल्म आई है, और चिड़िया खाना फिल्म में यह फिल्म बच्चों पर आधारित है और विशेषकर बिहार के बच्चे पर आधारित है और बिहारी किशोर लड़के के आधारित है जो मुंबई में अपने को स्थापित करने के लिए जद्दोजहद करता है। और यह बिहारी बाल फिल्म है, इसके प्रोड्यूसर भी निदेशक भी बिहारी हैं।
और इस फिल्म को कर मुक्त हो जाने से ना सिर्फ बिहार के स्कूली बच्चों को सीधी लाभ होगी, अन्य फिल्माघर में भी निर्माण होगा। तो ये बच्चों को ये टैक्स फ्री करने के उद्देश्य से जो टैक्स पेमेंट होगा उसका रिइंबर्समेंट राज्य सरकार ने करने का निर्णय लिया है। टेक्निकली ये टैक्स फ्री होगी, और क्योंकि टैक्स फ्री का प्रावधान नहीं है इसलिए जो टैक्स भुगतान होगा उसको वापस कर दिया जाएगा। और सामान्य प्रशासन का अंतिम दो एजेंडा मैंने पहले सबसे पहले लिया गया था, इसमें बिहार शैक्षणिक संस्थाओं नामांकन में आरक्षण का जो अधिनियम है और सरकारी सेवा में रिक्तियों का जो अधिनियम है इसको 9th शेड्यूल में भेजने के लिए राज्य सरकार ने भारत सरकार को भेजने का निर्णय लिया।